राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता के मापदंड निर्धारित करने के वास्ते नीति का पुनः प्रारूप तैयार करने के लिए 6 सदस्य विशेषज्ञ कमेटी की बैठक आज। उड़ीसा को विशेष पिछड़े राज्य के अंतर्गत अनुदान दिलाने के लिए बीजू जनता दल की दिल्ली में रैली। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ रायपुर में आज होगा अंतिम संस्कार। पिछले महीने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में गंभीर रूप से घायल शुक्ल का कल हुआ था निधन। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राष्ट्रीय आतंक निरोधी केंद्र यानी NCTC पर आम सहमति बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र अब भी इस मसले पर आम सहमति बनाने की करेगा कोशिश। नागर विमानन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया को उबारने में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। कहा कि ड्रीमलाइनर से जुड़े सभी तरह के मसलों का हल कर लिया गया है। आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की मजबूती के साथ 58.20 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। कल रुपया 58.39 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर हुआ था बंद। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 91 अंक गिरकर 19,052 पर खुला। निफ्टी भी 13 अंक की गिरावट के साथ 5,775 पर खुला। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे ग्रीस ने अपना सरकारी टीवी और रेडियो प्रसारण बंद करने का किया फैसला। फैसले से 2,000 कर्मचारी हो जाएंगे बेरोजगार। जर्मनी में बाढ़ से उफनती एल्बे नदी पर बना एक बांध टूटने से मैग्डेबर्ग शहर पानी में डूबा। बाढ़ की वजह से हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए हुए मजबूर। तुर्की के प्रधानमंत्री तैयब एर्दोगन अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के आयोजकों से आज मिलेंगे। तुर्की में इस बीच हिंसा का दौर जारी। विभिन्न प्रांतों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हिंसा होने की खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुप्रीम कोर्ट के बाहर संदिग्ध आत्मघाती बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत और करीब 40 लोग घायल। हताहतों में अनेक महिलाएं भी शामिल। हितों के टकराव के मुद्दे के विवाद पर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ी। BCCI के कोषाध्यक्ष रवि सावंत ने कहा कि खेल प्रबंधन फर्म में अपनी हिस्सेदारी को साफ करने के लिए धोनी को दिया जाना चाहिए नोटिस। चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारत प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा। टीम इंडिया के जीत के साथ ही पाकिस्तान हुआ प्रतियोगिता से बाहर।